हेलो बेटा कैसे हो आप सब मैं वाडिया सर फ़िज़िक्स गुरु जी बेसिक मैथ की बेटा ये जो सीरीज़ है टिक्नोमेट्री इसमें हम डिस्कवर डिस्कस कर रहे हैं अभी तक मैं इसकी टोटल फाइव लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ ये आई होप इसका लास्ट लेक्चर हो अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है टिक्नोमेट्री का जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बेसिक मैथ्स में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा कोशिश करेंगे अपने इस लेक्चर में इस टॉपिक को फिनिश करके इसके बाद नेक्स्ट में आपको वेक्टर स्टार्ट करूँ ठीक है जो भी बेसिक मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उसके पहले मैं बता दूं जिसने अभी तक मेरी एक भी वीडियो नहीं देखी है उसके लिए बता दूं हम इसमें टिक्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से ये सोचते हुए कि आपको टिक्नोमेट्री के बारे में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो इसमें हमने बिल्कुल बेसिक्स है डिस्कस किया है और ये इसका लास्ट लेक्चर आई थिंक हो सकता है छठा लेक्चर अगर मुझे इसके बाद भी कोई नीड लगेगी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर लेकर कर आऊँगा तो पर कोशिश करेंगे अपन इस इसमें के सारे जो प्रोसेस हैं या जो सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं अब तक अपन जो पढ़कर आए हैं उसका एक छोटा सा रिविज़न जैसा कि मैं हर बार देता हूँ टोटल हमने सिक्स आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी जो आपके सामने दिख रही है आपको दो फॉर्मूले हमारे पास टेन टीटा साइन टेन टीटा इज इक्वल टू साइन टीटा अपॉन कॉस्ट टीटा और कॉर्ड टीटा जो होता है दैट इज द इनवर्स ऑफ टेन टीटा ये सारे रिलेशन्स हम डिस्कस कर चुके हैं आप एक बार पूरी वीडियो डिटेल में ज़रूर देख लें यहाँ पर हमने टोटल फोर क्वाड्रेंट बनाए थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जीरो से नाइन्टी तक ये क्वाड्रेंट रहता है इसमें सारे फंक्शन यानी कि साइन टीटा कॉस् टीटा टेन टीटा कॉर्ड टीटा सेक्ट टीटा कॉस टीटा सारे पॉजिटिव रहते हैं 90 से 180 हमारा साइन थीटा और कॉसैक्ट थीटा यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे रिमेनिंग चार फंक्शन जो है चार रेशोस जो हैं वो नेगेटिव होते हैं सिमिलरली थर्ड क्वार्डिनेट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहेंगे फोर्थ में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे 90 डिग्री हमारी चेंजिंग लाइन होती थी जिसमें हमारा फंक्शन रिवर्स हो जाता है यानी कि साइन कॉस में कॉस साइन में टेन कॉट में और कॉट टेन में सेक कॉसक में और कॉसैक सेक में चेंज हो जाता है इसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में पूरी हमारी जो रेशो की टेबल थी वो हमने बना ली थी इसके अलावा हमने थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर ली थी फोर क्वाड्रेंट मैंने आपको होमवर्क में दिया था आई होप आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा इसके आगे हम आज बात करने वाले हैं कि अगर हमारा एंगल थ्री से अबव अगर दिया हो तो हम उसको कैसे बात करते हैं फोर क्वाड्रेंट के लिए आ, आपको क्या लगता है क्या मुझे इसका बताना चाहिए चलो एक बार अपन देख लेते हैं वैसे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अपन पूरा कर लेते हैं टेबल को तो फोर्थ क्वाड्रेंट लास्ट बचा था हमारा इसमें ये क्वाड्रेंट किसके लिए होता है तो कॉस थीटा और सेक्ट थीटा के लिए तो इसमें ये वाला फंक्शन पॉजिटिव रहता है रिमेनिंग सारे फंक्शन हमारे कैसे होंगे नेगेटिव होंगे ठीक है तो बस हमें यह ध्यान रखना है चलिए सबसे पहले बात करें साइन की तो 270 यानी कि 90 और 270 मतलब चेंजिंग लाइन है चेंजिंग लाइन तो साइन कॉस में बदल जाएगा तो ये हमारे पास होगा कॉस 30 के बराबर कॉस थर्टी की वैल्यू हालांकि हमें याद होनी चाहिए पर एक बार मैं आपके वेरिफिकेशन के लिए क्या होती है अंडर वूड थ्री बाई टू ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे आपको ये टेबल याद होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अंडर वूड थ्री बाई टू साइन है दैट विल बी इन माइनस फिर हमारा, जाएगा 45, फिर हमारा आ जाएगा फोर्टी फाइव दैट इज़ वन बाय अंडर वूड टू फिर हमारा सिक्सटी आ जाएगा दैट इज़ वन बाई टू नेगेटिव में फिर हमारा नाइन्टी आ जाएगा तो कॉस नाइन्टी की वैल्यू हमारे पास होती है वन तो ये भी माइनस में आ जाएगा क्लियर ऐसे ही साइन के साथ जिसमें आप लोगे तो इसका इनवर्स हो जाएगा यहां पे तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का सॉरी ये प्लस में रहेगा अंडर रूट थ्री बाई टू और यहां पर ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी ये साइन 90 तो साइन नाइनटी मेरे पास अच्छा सॉरी अपन यहां पे कॉस नाइन्टी जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया कॉस नाइन्टी हमारा ज़ीरो के बराबर होता है तो ये हमारा ज़ीरो होगा और ये हमारा वन होगा ठीक है साइन नाइन्टी वन कास्ट नाइन्टी ज़ीरो थोड़ा सा अपन मिस्टेक कर दी थी सेम ऐसे ही टेन थीटा हम निकालेंगे अगेन साइन थीटा अपन कॉस टीटा करके तो ये मेरा बन जाएगा माइनस का थ्री माइनस का वन माइनस का वन बाय अंडर रूट थ्री और ज़ीरो बाई वन यानि कि ज़ीरो इसका उल्टा करेंगे यानी कि हम इसको रिवर्स में लिख देंगे यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे या सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो कॉस थीटा बटा साइन थीटा कर दो तो ये मेरा बन जाएगा वन बाय अंडर रूट थ्री माइनस का वन माइनस का रूट थ्री और यहाँ पर ज़ीरो का उल्टा करेंगे इनफाइनाइट अगेन सेक्ट थीटा हमें निकालना है तो कॉस टीठा का उल्टा करेंगे कॉस टीटा हमारे पास टू आया है यहाँ पर तो टू का उल्टा कर देंगे यहाँ पर ये यह मेरा अंडर रूट टू हो जाएगा ये टू बाई अंडर रूट थ्री हो जाएगा और वन का उल्टा तो खैर वन है ही ठीक है अब इसके बाद इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कौसे थीटा यानी कि साइन थीटा का इन्वर्स तो माइनस का टू बाई अंडर रूट थ्री माइनस का अंडर रूट टू माइनस का टू और वन का उल्टा यानी कि ज़ीरो का उल्टा हमारे पास आ जाएगा इन तो ये वैल्यूज़ हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बनकर आ गई है अब यहाँ तक हमने अभी तक थ्री सिक्सटी डिग्री तक की वैल्यू फाइंड कर ली है अब बात करते हैं सर अगर हमें वैल्यू थ्री सिक्सटी से ज़्यादा दी जाए जैसे सपोज़ मान के चलो मुझे वैल्यू निकालनी है सेवन ट्वेंटी की अब सेवन ट्वेंटी जो है वो थ्री सिक्सटी से बड़ी वैल्यू है ठीक है तो हम क्या करेंगे इस केस में हमें इसको सॉल्व करना है तो पहले हम क्या करेंगे इसको छोटा करेंगे तो हम साइन यानी कि जो हमारे पास सेवन ट्वेंटी है पहले हम इसको लेंगे इसको माइनस करेंगे थ्री सिक्सटी में से तो हमें वैल्यू कितनी मिली तो इसको थ्री सिक्सटी में से माइनस करेंगे तो जीरो में से जीरो हो गया ये मेरा बच जाएगा सिक्सटी और यहाँ पे बच जाएगा सिक्स तो ये वैल्यू आ जाएगी थ्री सिक्सटी नाव अब हमारे पास जो फंक्शन बना है यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन थ्री सिक्सटी तो साइन थ्री सिक्सटी की वैल्यू अभी अभी अपन निकाल कर आए हैं ये रही साइन थ्री सिक्सटी ये रहा टू सेवेंटी प्लस नाइन्टी थ्री सिक्सटी कितना आ गया जीरो तो ये वैल्यू मेरे पास ज़ीरो आ जाती है जैसे मुझे सेम इस तरह से मुझे निकालना है साइन वन ज़ीरो एट ज़ीरो निकालना है तो हम क्या करेंगे पहले वन ज़ीरोट ज़ीरो को माइनस करेंगे थ्री सिक्सटी में से वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी तो ये यह सिक्स यहाँ बचेगा नाइन सिक्स अब अभी भी वैल्यू मेरे पास कैसी है थ्री सिक्सटी से बड़ी है तो अगेन हम थ्री सिक्सटी यहाँ पर माइनस करेंगे हम थ्री सिक्सटी तब तक माइनस करते जाएंगे जब तक हमें थ्री सिक्सटी से छोटी वैल्यू नहीं मिल जाती और थ्री सिक्सटी से छोटी वैल्यू मिलने के बाद तो हमारा आंसर आ ही गया तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे सिक्स में से सिक्स गए ज़ीरो और ये मेरा बच्चा आएगा थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड जो है ये हमारा अभी थ्री सिक्सटी से नीचे आ गया तो अब हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये हमारे पास साइन थ्री हंड्रेड तो साइन थ्री हंड्रेड को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो साइन थ्री हंड्रेड को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर लिख सकते हैं थ्री सिक्सटी माइनस थर्टी सॉरी सिक्सटी थर्टी नहीं सिक्सटी तो ये मेरा बन जाएगा साइन सिक्सटी के बराबर अब हमें एक और चीज़ ये तो हमने क्या वैल्यू निकाल ली इसकी अब हमें एक चीज़ ये देखना है कि जैसे वन ज़ीरो एट ज़ीरो कौन से क्वाड्रेंट में गया है ना हमें ये भी चेक करना है ये तो हो गया हमारा वैल्यू निकालने का तरीका जैसे अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ आपको जैसे मान के चलो कि हमारे पास ये हमने सबसे पहले ये हमारे पास ज़ीरो था ये नाइन्टी था ये वन एटी था ये टू सेवेंटी था और ये अगेन थ्री सिक्सटी था अब जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले सर सेवन ट्वेंटी डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में गया सबसे पहले तो हमें ये निकालना है फिर हम बताते हैं सर वन जीरो एट जीरो कौन से क्वाड्रेंट में गया हमें क्वाड्रेंट भी तो देखना है तभी तो, तो हम कह सकते हैं कि इसमें वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी वैल्यू क्या आएगी वो तो हम देख चुके हैं ठीक है वो तो हमें पता लग गया जैसे इसकी वैल्यू साइन सिक्सटी के बराबर आ रही थी इसकी वैल्यू साइन थ्री सिक्सटी के बराबर आ रही थी वो तो हम समझ गए है ना पर हमें ये भी देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है तो हम ऐसा करते हैं सर हमने पहली बार यानी कि इसमें सेवन ट्वेंटी में से एक बार थ्री सिक्सटी माइनस किया था तो वैल्यू मुझे मिल गए थ्री सिक्सटी अब थ्री सिक्सटी मतलब हम यहाँ कहीं आ गए ठीक है थ्री सिक्सटी पर आ गए हम तो इस केस में हम क्या मानेंगे 360 पर जो वैल्यू आती है ध्यान रखना ये वाली वैल्यू लगभग लगभग जीरो के बराबर आती है ठीक है 360 पर जो वैल्यू आएगी लगभग लगभग किसके बराबर आती है जीरो के 360 लो या जीरो लो बात एक ही है तो 360 डिग्री को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे यानी कि जो हमारा 720 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया अब कैसे आया देखो पहला राउंड जब हमने किया तो हमने थ्री किया फिर सेकेंड राउंड जब हमने किया तो थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी टोटल हमने कितने राउंड कम्प्लीट कर लिए दो राउंड कंप्लीट कर लिए तो एंगल कितना हो गया सेवन ट्वेंटी हो गया अब जिसे मैंने इसको माइनस किया था तो इसमें मैंने एक बार जैसे वन ज़ीरो एट ज़ीरो है इसको मैंने थ्री सिक्सटी से माइनस किया था तो वैल्यू मेरे पास आई थी कितनी सेवन ट्वेंटी कितनी आई थी हमारे पास लास्ट एक बार देख लेते हैं ये वैल्यू आई थी मेरे पास सिक्स सिक्सटी है ना सिक्सट सिक्सटी तो ये वैल्यू मेरे पास आई थी तो यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास आई दैट इज़ विल बी सिक्स सिक्सटी अब इसका मतलब हो गया एक बार थ्री सिक्सटी से माइनस किया मतलब एक राउंड पूरा हो गया ठीक है चलो सिक्स सिक्सटी आई अगेन मैंने थ्री सिक्सटी से माइनस किया तो थ्री हंड्रेड आया अब इसका मतलब सेकेंड राउंड भी पूरा हो गया सेकेंड राउंड पूरा होने के बाद भी अभी हमारे पास वैल्यू बची हुई है सेकेंड राउंड पूरा होने के बाद जैसे दो राउंड हो गए अब तीसरा राउंड कर लिया उसने स्टार्ट और तीसरा राउंड वो कहाँ आके ख़त्म करता है तीसरा राउंड वो ख़त्म करता है कहाँ आके तीन सौ डिग्री पे आके ठीक है अब तीन सौ डिग्री पे आया मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया तो ये वाली वैल्यू जाएगी हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में समझ में आ गया और ये वाली वैल्यू हमारी गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब ये तो पॉजिटिव रहेगा ये वाला फंक्शन तो और फोर्थ क्वाड्रेंट में अब हमने यहाँ पर लिया था अभी जैसे हमारे पास एग्जांपल आया था साइन वन जीरो एट जीरो तो इसकी वैल्यू जो थी वो साइन सिक्सटी के बराबर आई थी तो जो हमारी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो साइन सिक्सटी के बराबर होगी साइन सिक्सटी हमारा क्या होता है वन अंडर रूट थ्री बाई टू होता है तो ये माइनस में आएगा वैल्यू क्योंकि तो इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू हमारी इसके बराबर आएगी क्लियर है आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी ठीक है तो हम क्वाड्रेंट इस तरह से चेक करते हैं एक और एग्जांपल अपन लेते हैं जैसे मुझे दे जैसे मुझे बात करनी है टेन वन फोर फ़ोर ज़ीरो डिग्री की बात करनी है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले तो हम छोटा करते हैं तो एक बार हम थ्री सिक्सटी से माइनस कर रहे हैं तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जीरो यहाँ पर आ जाएगा फोटीन देन एट ठीक है यहाँ बचा चाहो ट्वेल्व और ट्वेल्व में से थ्री जाएगा तो नाइन ट्वेल्यू आई नाइन एटी इसका मतलब हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया इधर साइड में लिखते भी जाओ सेकेंड हमने कहा सर अभी भी वैल्यू थ्री सिक्सटी से बढ़ी है तो सर हमने कहा एक और बार माइनस कर लेते हैं ठीक है अब आपको ये भी रीज़न समझ में आ गया होगा कि मैं थ्री सिक्सटी से माइनस क्यों कर रहा हूँ यानी कि इसका मतलब ये है कि मैंने एक राउंड पूरा कर लिया है अब सेकेंड राउंड के लिए मैं तैयार हूँ तो यहाँ पर ज़ीरो एट में से सिक्स टू और नाइन में से थ्री सिक्स इसका मतलब सर मेरा सेकेंड राउंड पूरा हो चुका है अभी भी वैल्यू थ्री सिक्सटी से बड़ी है तो हम कहेंगे सर अभी एक राउंड और मार सकते हैं तो ठीक से माइनस करेंगे जीरो वही बारह में से छः छः यहाँ बचेगा पाँच पाँच में तीन गया दो सर तीन राउंड पूरे हो चुके हैं यहाँ तक तीन राउंड पूरे होने के बाद हमारी वैल्यू जो है वो दो सौ साठ आ रही है दो सौ साठ मतलब दो सौ सत्तर से थोड़ा कम दो सौ सत्तर से थोड़ा कम मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में गए इसका मतलब सर हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए यानी कि ये वैल्यू जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के बराबर है तो हमारे पास जो टेन वन फोर फोर ज़ीरो है वो किसके बराबर आएगी तो वो आ जाएगी टेन अब इसको आप चाहो तो दो सौ सत्तर में से दस कम ठीक है तो दो सौ सत्तर में से दस कम करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे तो ये वैल्यू हमारे पास टेन टेन डिग्री के बराबर आएगी अच्छा दो सौ सत्तर है ना तो क्वार्ट में बदल जाएगा सॉरी अपन ने इसको चेंज नहीं किया अपन ने दो का रिलेशन लिया है और ये वैल्यू इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा का एक क्वाड्रेंट होता है टेन और कॉट का ही थर्ड क्वाड्रेंट उसी का तो था देखो कहाँ गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट हमारा किसका था टेन और कॉट का तो ये जो फंक्शन हमारे पास होगा दैट विल बी पॉजिटिव फंक्शन तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी अब कॉट टेन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती है टिग्नोमेट्री रेशियो में जो कैलकुलेटर से ही पॉसिबल है है ना हम जैसे अब एक चीज़ मैं इसमें और बता देता हूँ आपको रेडियन में कन्वर्जन वो अपन और देख लेते हैं उसके बाद अपन इस चैप्टर को करेंगे फिनिश आई होप आपको इसमें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अगर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मैं थोड़ा और डिटेल में उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा ठीक है पर एक बार आप कंटिन्यू पूरी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कोई समस्या आपको नहीं आएंगी बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की नीड है ठीक है अब अपन एक चीज़ और समझते हैं सर रेडियन की बात करते हैं ठीक है रेडियन को कैसे रिलेट करना है हमें हालांकि ये चीज़ मैं आपको सर्कुलर मोशन के साथ भी रिपीट कराऊंगा अभी अपन वेक्टर पढ़ने वाले हैं इसके बाद उसमें भी अपन इसको रिपीट करेंगे तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर अब हम उसी से रिलेट करते चल रहे हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट थे चार क्वाड्रेंट थे मेरे पास ये ज़ीरो डिग्री था सर ये नाइन्टी डिग्री था ये वन एटी डिग्री था ये मेरा टू सेवेंटी डिग्री था अगेन यहाँ पर हमारी वैल्यू जो आई थी थ्री सिक्सटी डिग्री ये बीच में हमारा ज़ीरो था अब मान के चलो हालांकि आप यहाँ पर एक कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर आप फिक्स हो गए मतलब ये वाला पॉइंट जो है आपका फिक्स पॉइंट हो गया या आपके पास कोई रस्सी थी रस्सी से आपने मान के चलो किसी यहाँ पर बांध लेते हैं किसी को भी आपने बांध दिया कोई बकरी है यहाँ पे बकरी को आपने यहाँ बांध दिया रस्सी से और रस्सी का एक एंड जो है वो यहाँ पे फिक्स है अब आपने बोला इस बकरी को कि तू तो कहीं भी जा सकती है तू तो घूम सकती है जहाँ भी तुझे जाना है अब बकरी का एक हिस्सा बंधा हुआ है उसके गले में रस्सी बंधी हुई है और बकरी को हमने बोल दिया अब बकरी जहाँ भी जाना चाहेगी ये ऑटोमेटिकली कैसे घूमने लगेगी ये चाह भी यानी कि जब ये मूव करेगी तो ये किस पाथ में मूव करेगी तो ये पाथ होगा हमारा सर्कुलर ये किस पाथ को फॉलो करेगी सर ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी सर्कुलर पाथ को फॉलो करने के पीछे कारण क्या है यानि कि मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे इसका जो पाथ है वो कैसा होगा बच्चों वो पाथ होगा सर्कुलर अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों क्योंकि ये जो रस्सी है ना ये इसको सीधा बकरी तो सीधा जाना चाहती है लेकिन ये रस्सी जो है ना इसको घुमाने का काम कर रही है बकरी की इच्छा तो सीधा चलने की है लेकिन रस्सी जो गले में बंधे हुई है वो क्या कर रही है उसको रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ में उसको सर्कुलर पाथ में बना के रख रही है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी वही होगी जो यहाँ थी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी वही होगी जो यहाँ थी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी वही होगी जो यहाँ थी ठीक है अब मान लेते हैं कि ये जो बकरी है ये किसी एंगल को मूव करती है जैसे कोई एंगल मूव करती है मानो इसने यहाँ से स्टार्ट किया था किसी टाइम टी में ये घूम के मानो यहाँ से यहाँ पर आ गई किसी भी टाइम पर आ गई मानो ये घूम के किसी टाइम टी पर ये यहाँ पहुँच गई ठीक है तो यहाँ पहुँच गई तो हम ऐसा कह सकते हैं इसने कुछ कोण भाई आप दो तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो अगर बकरी के रेस्पेक्ट में घर में इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखूँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए लीनियर में मतलब बकरी कितना चली तो बकरी के अकॉर्डिंग तो बकरी इस वाले पाथ को फॉलो कर रही है तो ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा आर्क लेंथ के बराबर होगा ये किसके बराबर होगा आर्क लेंथ के अब आपसे पूछा जाए रस्सी कितना बैंड हुई या रस्सी कितना घूमी तो सर रस्सी तो ये एंगल जो है ये चली है तो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट हमारे होते हैं एक हमारा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके okay. तो एक हमारे पास हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेस इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारी आर्क लेंथ है जो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है अब अम्मा, अब मान लेते हैं यहाँ पर इसने कितना एंगल घूमा थीटा एंगल ये घूमती है क्लियर है बात अब मुझे ये थीटा निकालना है तो आप सोच के देखो भाई हम अगर मान के चलो कि ये बकरी एक पूरा राउंड कर रही है तो हम कह सकते हैं जब सर ये कंप्लीट राउंड करती है कंप्लीट राउंड कंप्लीट राउंड में डिस्टेंस कितना चल रही है सर टू पाई आर चल रही है एक पूरा राउंड चलने का मतलब सर टू पाई आर डिस्टेंस चल गई अब कंप्लीट राउंड मेरे अकॉर्डिंग कितने का होता है सर थ्री सिक्सटी डिग्री का होता है थ्री सिक्सटी डिग्री का होता है तो मतलब थ्री सिक्सटी डिग्री में कितना चली सर टू पाई आर चली तो हम कहेंगे सर यूनिट में कितना चलेगी मतलब एक डिग्री चलने के लिए कितना चलना पड़ेगा इसको सर टू पाई आर बाई थ्री सिक्सटी यानी कि सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई आर बाय वन एटी बोलो सही लिखा क्या सही लिखा क्या क्लियर है पाई आर बाय वन एटी तो मुझे कितना चलना है सर मुझे तो ठीठा चलना है तो ठीठा चलना है तो ये मेरा हो जाएगा पाई आर बाय वन एटी इंटू ठीठा क्लियर है यानी कि यहाँ पर मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आया वो इतना आया ठीठा चलने के लिए अब यहाँ पर एक चीज़ थी सर मुझे यहाँ पर एक वैल्यू बतानी है यानी कि इसमें देखो हमने जो ठीठा निकाला है वो दो बार रिपीट हो रहा है है ना भाई हमने ठीठा एंगल चला अब ये ठीठा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इट मे बी थर्टी डिग्री इट मे बी फोर्टी फाइव डिग्री इट मे बी तो कुछ भी हो सकती है लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा यहाँ पर दो बार ठीठा रिपीट हो रहा है समझ रहे हो बात को आप ठीठा को दो बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है अब इसमें प्रॉब्लम ये है सर हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सर हम कौन से थीटा को माने यहाँ थर्टी कि यहाँ थर्टी रखें तो उसकी वैल्यू क्या दी गई कि हमने ऐसा करते हैं थीटा को हमने एक नई वैल्यू दी गई जिसे दिया गया रेडियन वैल्यू यानी कि हमने कहा कि हम थीटा को देखो अब तक हम थीटा को डिग्री में मेजर कर रहे थे तो अब एक नई वैल्यू दी गई पाई की टर्म में पाई की टर्म में जो वैल्यू दी गई उसे कहा गया रेडियन अब उसको कैसे कन्वर्ट किया गया जैसे मान के चलो कि अगर हमारा थीटा थर्टी डिग्री है ठीक है तो इसी को अगर मैं रेडियन में निकालू तो रेडियन वैल्यू अगर मैं इसकी निकालूं तो क्या हो जाएगा सर पाई बाय 180 एटी इंटू कर दो आर तो खैर वो तो लीनियर लीनियर डिस्टेंस हो गया हम तो एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो पाई बाय 180 एटी इंटू कर दो तो यहाँ पर जब आप करोगे तो पाई बाय 180 एटी इंटू यानि कि पाई बाय 180 एटी इंटू थर्टी तो जब ये करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाय सिक्स अब सोचो इससे बेनिफिट क्या हुआ हमारा इससे बेनिफिट ये हुआ कि सर मानो कि ये हमारा कोई आर्क है रेडियस आर ले लेता हूँ यहाँ से ये घूमता है तीस डिग्री का एंगल तीस डिग्री का एंगल घूमता है तो मुझसे पूछा जाए कि बताओ ये आर्क कितना होगा मतलब उसने चला कितना तो हम कह देंगे सिंपल सी बात है अभी भी हमने निकाला है आर्क की वैल्यू आर थीटा होती है अभी जो थीटा होता है ये रेडियन में होता है ये चीज़ ध्यान रखना आर की की वैल्यू जो होती है ये हमारे पास रेडियन में होती है अब कैसे सर देखो अगर मुझे रेडियन में बदलना है थीटा को तो हम क्या करते हैं उसको पाई बाई वन एटी इंटू थीटा करो तो क्या रेडियन में बदल जाएगा वो ठीक है इंटू आर देखो यही वैल्यू हमारे पास लास्ट आई थी पाई बाय वन एटी इंटू इंटू आर तो ये जो वैल्यू थी ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये वैल्यू ये क्या है रेडियन की वैल्यू है मतलब ये एंगल है बट रेडियन में है अब इससे बेनिफिट क्या हुआ इससे बेनिफिट ये हुआ सर अगर हमें रेडियन में वैल्यू पता है ना तो मैं बता सकता हूँ कि वो कितना लेंथ चला अब समझो इसका बेनिफिट इसमें शायद लास्ट स्लाइड है अपन इसको क्लियर कर लेते हैं ठीक है थीके? इसी को क्लियर करके यूज़ कर लेते हैं छोटा सा टॉपिक है बेटा ये अभी हो जाएगा पूरा आपका और इसका यूज़ भी मैं आपको आगे और बताऊँगा फिलहाल तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस इसके ऊपर कर लेते हैं क्या मैं ध्यान रखो हमारे पास एंगल के लिए एक तो डिग्री है और एक जो है हमारे पास वो है रेडियन ठीक है डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री तो अगर मुझे डिग्री से रेडियन जाना है डिग्री से रेडियन जाना है तो पाई बाई वन एटी से मल्टीप्लाई करूँगा और रेडियन से डिग्री जाना है तो वन एटी बाई पाई से मल्टीप्लाई करूँगा अब जैसे मान के चलो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ, जैसे मैं ले लेता हूँ वन ट्वेंटी डिग्री है अब वन ट्वेंटी डिग्री अगर मैं घूमा हूँ तो मुझसे पूछा जाए कि बताओ आर्क लेंथ कितनी होगी आर्क लेंथ कितनी होगी तो आर्क लेंथ मुझे याद रख लेनी है सर सिंपल सिंपल आर ठीठा होती अब ठीठा रेडियन में निकालना है ये ठीठा रेडियन में है बस ये ध्यान रखना सीधे शब्दों में ठीक है तो ये जो ठीठा है मेरे पास ये किस में है रेडियन में है बस ये इतना सा आपको ध्यान रखना है तो हम यहाँ पर करेंगे सर 120 ट्वेंटी इंटू फाइव बाई वन सिंपल तो जीरो से ज़ीरो तीन से कट जाएगा ये चार बार तीन से कट जाएगा ये छः बार तो ये मेरा आ जाएगा थ्री पाई बाई टू तो हम कह देंगे सर हमारी आर्क लेंथ जो है वो थ्री पाई आर बाई टू हो जाएगी ख़त्म अगर मैंने कहा कि सर मैंने वन एटी डिग्री चला वन एटी डिग्री को करोगे तो वन एटी इंटू पाई बाई वन एटी वैल्यू बाई पाई तो सर वो आर्क कितना चला उसने आर्क लेंथ हो जाएगा सर पाई इंटू आर अगर सर उसने थ्री सिक्सटी चला थ्री सिक्सटी मतलब एक राउंड होता है तो एक राउंड में कितना चला सर थ्री सिक्सटी इंटू पाई बाई वन एटी वैल्यू आ जाएगी टू पाई तो सर आर्क लेंथ जो है वो आ जाएगा सर आर इंटू थीठा क्या देखो ये टू पाई आर आ गया अरे ये तो हमने फॉर्मूला भी प्रूफ कर दिया हमने फॉर्मूला भी प्रूफ कर दिया टू पाई आर वन एटी डिग्री मतलब हाफ राउंड होता है और थ्री सिक्सटी मतलब फुल राउंड होता है फुल राउंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है वो ठीक है तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कन्वर्जन के लिए हालांकि इसके ऊपर अभी आगे अपन और चर्चा करेंगे फिलहाल के लिए सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि टिक्नोमेट्री से रिलेटेड था तो आई होप आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी वो वैक्टर पर होगी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे टिक्नोमेट्री के साथ करवाना चाहिए या आपको उसकी नीड है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जिस जिस को भी टिक्नोमेट्री में प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को देखे और उसे इससे हेल्प हो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में वैक्टर के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का लिंक आपको मिलता रहे ओके गुड बाय बाय